हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और मैनपाट में रुकना चाहते हैं, मैनपाट में होटल्स तो बहुत सारे हैं, पर मैं आज आपको बताऊंगा तिब्बत रिजॉर्ट और तिब्बत गेस्ट हाउस के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि तिब्बत रिजॉर्ट में रुकें या गेस्ट हाउस में रुकें तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैनपाट में दो तिब्बत रिजॉर्ट हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। एक दोलमा तिब्बत रिजॉर्ट और दूसरा है तिब्बत गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट। ये जो दोलमा तिब्बत रिजॉर्ट है ये मैनपाट में कमलेश्वरपुर में कैंप नंबर 1 में है, पुराने बुद्ध मंदिर के पास। और बाकी पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। और आप हमारे YouTube चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे पहले आप वहाँ के फोटोज़ देख लें, उसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। जैसा कि आपने देखा तिब्बत रिजॉर्ट और तिब्बत गेस्ट हाउस तो इस तरह से हैं, और यहाँ आपको एक अलग अनुभव करने को मिलेगा। और इनके जो डिशेस हैं अलग तिब्बत वाले, वो भी आपको अनुभव करने का मौका मिलेगा। तो जो दोलमा तिब्बत रिजॉर्ट है ये मैनपाट कमलेश्वरपुर में कैंप नंबर 1 में है, बुद्ध पुराना जो बुद्ध मंदिर है वहाँ पर है, बौद्ध मंदिर जो है पुराना वाला वहाँ पर है। और तिब्बत गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट जो है वो भी कमलेश्वरपुर में है। आप कमलेश्वरपुर में कहीं भी पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको बस मैनपाट कमलेश्वरपुर जाना है और वहाँ पे पूछना है। और अच्छे खासे यहाँ पे स्पेस हैं, जगह है जहाँ आप कैंपिंग भी कराते हैं, कैंपिंग करके रुकना चाहते हैं तो इन जगहों पे आप कैंपिंग करके भी रुक सकते हैं। बाकी रूम सुविधा भी वैसे है, तो आप मैनपाट की ठंडी में अभी के समय में कैंपिंग में तो शायद ही रह पाए, होटल ही सही है अंदर में। तो इस तरह की ये होटल्स हैं मैनपाट के तिब्बत होटल, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। कई लोग हैं जो नॉर्मल होटल में ना रह के इन सब होटल्स में अनुभव करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए। बाकी ये जानकारी थी। और प्राइस की बात करें तो ज़्यादा प्राइस कुछ नहीं है, वही 2000-2100 के बीच में आपको इनके जो होटल्स हैं वहाँ मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। और इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ वीडियो के, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेना। और बाकी कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अपने फैमिली जरूर शेयर करना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। जय हिंद, जय भारत।